आज हम करने वाले हैं मराठी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है शाल। शाल यानी कि ब्लैंकेट। आपने देखा रहेगा कि ठंडी के मौसम में हम जो गले में पहनते हैं शाल, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली उसका वो मीनिंग नहीं है। यहाँ पे उसका मीनिंग है इस चैप्टर में कि एक जब हम किसी रिस्पेक्टफुल इंसान को, जब उसको हॉनर करने के लिए, आपने देखा रहेगा स्टेज पे वगैरह उसके गले में कोई शाल और एक श्रीफल, श्रीफल यानी कि एक नारियल देते हैं, तो इस लेसन में हम जो शाल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे उसका इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही मेन है। मैंने आपको मेरे पहले भी वीडियोस में बताया था, कई बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन हम इसे करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, तो हमें ध्यान लगा के बस इसे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। कवि समीक्षक ललित लेखक, साहित्याची जाण आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली। मतलब हमारे जो कवि है वो क्रिटिक राइटर है और एक ललित लेखक, ललित लेखक यानी कि बहुत ही फाइन राइटर है, बहुत ही अच्छा लिखते हैं वो। साहित्याची जाण यानी कि उन्हें लिटरेचर की वैल्यू है, आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ति मतलब उनका जो मल्टी फंक्शन, उनका जो रिव्यू था, वो रिव्यू जिसके देते थे वो बहुत ही मल्टी फंक्शनल था, ठीक है। यातून त्यांची समीक्षा विकसित झाली, उसी में से उनकी जो समीक्षा है, उनकी जो कला है वो विकसित यानी कि डेवलप हो गई। व्यापक वाद्मय दृष्टिकोण आणि चिंतनात्मक ही त्यांच्या समीक्षेची वैशिष्ट्य होती। उनकी जो समीक्षा है, उनकी जो मतलब उनकी जो क्रिटिक्स है, उनकी वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य मतलब उनका जो मेन मेन जो मोटो है वो है व्यापक वाद्मय दृष्टिकोण, मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव उनका दृष्टिकोण यानी कि नजरिया है। त्यांच्या समीक्षा विषयक लेखनाची 30 हून अधिक पुस्तके आहेत। उनके जो समीक्षा विषयक मतलब उनका जो राइटिंग है समीक्षा विषयक, उनके ऊपर उनके 30 हून अधिक यानी कि 30 से ज़्यादा, 30 हून यानी कि 30 से अधिक, 30 से ज़्यादा उसके पुस्तके आहेत यानी कि उनके बुक्स है 30 से ज़्यादा। त्यांचे साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पहाट, आधुनिक मराठी कवित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता व कवी, आगळीवेगळी नाटक ही समीक्षात्मक पुस्तके, वियोग ब्रह्म, मावळतीच्या कविता, हे कविता संग्रह इत्यादी लेखन प्रसिद्ध आहे। मतलब ये सब जो अभी नाम लिया मैंने, वो सब उसके कुछ बुक्स है जो हमारे कवि है, लेखक है, ये सब उनके कुछ एक बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध मतलब फेमस बुक्स है ये सब, ठीक है। 1970 ते 1990 या काळात ते विश्वकोशाच्या संपादनात सहभागी होते। हमारे जो लेखक है उन्होंने 1970 से लेकर 1990 तक उन्होंने विश्वकोशाच्या संपादनात यानी कि इंसाइक्लोपीडिया के एडिटिंग में उन्होंने सहभाग यानी कि हिस्सा लिया था। शालीभोवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहेत, जो कि पूरा लेसन ही हमारा है जो कि शाल के ऊपर। तो लेखक ने भी जो उसके शाल के भौती, जो शाल के आसपास उनके जो आठवणी, आठवणी यानी उनके जो मेमोरीज है, उसने इस पाठ में उसको व्यक्त किया है। व्यक्त मतलब उसे डिस्क्राइब किया है इस लेसन में। शाल ही प्रतीकात्मक है, मतलब शाल एक प्रतीकात्मक यानी कि एक सिंबॉलिक है, ठीक है। मतलब शाल एक रिस्पेक्ट का एक सिंबॉल है। शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणारा आहे। मतलब शाल के वजह से जो शालीनता, शालीनता यानी एक जेंटलनेस, एक जेंटलमैन जो बनता है वो उस शाल के वजह से ही बनता है, ठीक है। संदर्भ अंतर्मुक्त करणारा है यानी कि इंट्रोवर्ट करने जैसा है। पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहे। पाठ यानी कि लेसन में जो औदार्यपण यानी कि जनरॉसिटी है, उसका एग्जाम्पल एक इंसान के सेंसिटिविटी को महसूस करके किया गया है, ठीक है। वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्वाचे असते। मतलब जो भी चीजों चीज के जो संदर्भ है, जो भी चीज होती है, ठीक है, हर एक चीज से जुड़ी हमारी कुछ मेमोरीज भी होती है और उनका मोल, उनकी वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोणत्याही निर्जीव वस्तुशी निगडित असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। किसी भी निर्जीव वस्तु यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग से निगड़ित उसके उसको जुड़े हुए कुछ भी संदर्भ मानवीय भावना तरल होता है, यानी किसी भी नॉन लिविंग थिंग के अराउंड जो हमारे मेमोरीज होते हैं वो हम इंसानों को बहुत ही क्लोज रखते हैं उस थिंग से।
वस्तूंशी निगडीत कोणतीही आठवण असो अथवा प्रसंग त्याचे मानवी संदर्भच सर्वार्थाने महत्वाचे ठरतात. मतलब किसी भी वस्तु यानी किसी भी चीज या ऑब्जेक्ट से निगडीत उससे जुड़ी हुई कोई भी हमारी आठवण कोई भी हमारी मेमोरीज या कोई भी प्रसंग प्रसंग यानी इंसिडेंट ठीक है वो कोई भी हमारा मेमोरीज या इंसिडेंट हो वो हमें मानवीय संदर्भाच सर्वार्थाने महत्वाचे ठरतात. मतलब बाय ऑल मीन्स वो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है अब हम लेसन पे आते हैं. ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट. अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं. लेसन बहुत ही इजी है आपको समझ में आएगा अगर आप ध्यान देंगे तो. ठीक है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. मतलब हमारे जो लेखक है जो कि है राग जाधव ठीक है वो किसी काम के लिए बहुत ही फेमस लेखक है ये पु ल देशपांडे उनके उनके पास ये गए थे. काही एक निमित्ताने गेलो होतो मतलब किसी रीजन के वजह से वो जो लेखक है हमारे पु ल देशपांडे के पास गए थे. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो. यानी कि काम होने के बाद हमारे जो लेखक है जाधव वो निकलने के बीच में निकलने के मतलब बीच मतलब प्लान में थे. तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का. और तभी जब हमारे लेखक निकलने वाले थे तब सुनीताबाई यानी कि पु ल देशपांडे इनकी वाइफ उन्होंने उन्हें रोका और उन्हें पूछा तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का. यानी अगर मैंने आपको शाल दी तो क्या आपको चलेगा. मी एका पायावर हो म्हटले. तो जैसे ही लेखक ने सुना वैसे ही लेखक एक पैर पर खड़े होकर हो बोल दिया. मतलब एक पैर पर खड़े नहीं हुए लेकिन उन्होंने जल्दी से हाँ बोल दिया. पु ल व सुनीताबाई यानी मला शाल द्यावी हा मला मोटा गौरव वाटला. लेखक को लगा कि पु ल देशपांडे जो बड़े राइटर है लेखक है वो और उनकी वाइफ सुनीताबाई अगर उन्होंने उन्हें शाल दी तो उन्हों उनके लिए वो बहुत ही बड़ा गौरव की बात है बहुत ही हॉनर की बात है. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेस मध्ये ठेवून दिली. वो जो शाल उन्हें मिली थी उन्होंने उसे उनके रूम के सुटकेस मध्ये सुटकेस यानी एक बड़ा सा बैग उसमें उन्होंने उसे रख दी. वापरली मात्र कधीच नहीं उन्होंने उसका यूज भी कभी नहीं किया. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. फिर बाद में कभी वाई मध्ये वाई मतलब एक प्लेस का नाम है वहां पे लेखक विश्वकोशाचा अध्यक्ष मतलब एनसाइक्लो पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. फिर बाद में हमारे जो लेखक है वो वाईला वाई मतलब एक जगह का नाम है अ नेम ऑफ अ प्लेस ठीक है. तो वहां पे वो विश्वकोशाचा अध्यक्ष एनसाइक्लोपीडिया के चेयरमैन बन के वो वहां पे गए थे. तिथे नदी काटाच्या प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे. वहां पे नदी काटाच्या मतलब बैंक ऑफ द रिवर ठीक है. प्राज्ञ पाठशाळेच्या प्राज्ञ उस हॉस्टेल का नाम है जहां पे हमारे लेखक रह रहे थे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिड़क्या कृष्णा नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहावर होत्या. उस रूम के जो खिड़की है विंडोज है वो उस रूम के साउथ साइड में थे दक्षिणेकडील यानी कि साउथ साइड. कृष्णा नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहावर होत्या. कृष्णा नदी एक नदी का नाम है नेम ऑफ अ रिवर. चिंचोड्या प्रवाहावर यानी कि नैरो स्ट्रीम पे उस रूम के विंडोज थे. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिड़की खालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. थंडी के दिन थे मतलब विंटर सीजन चालू था और तभी एक बाई मतलब एक फीमेल एक औरत माझ्या खिड़की खालील घाटाच्या छोट्या तटावर लेखक के रूम के विंडो के नीचे जो घाट है घाट यानी कि ब्रिज उसके छोटे तटावर उसके छोटे से किनारे पर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. उसने अपने छोटे बच्चे को टोपलीत टोपलीत यानी कि उसके ऐसी बकेट में कह सकते हैं आप ठीक है टोपली यानी कि बकेट में उसने अपने छोटे बच्चे को रखा था. टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. उसका उसके बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और वो अपना काम कर रही थी जो कि मासे मासे यानी कि फिश वो मछलियां पकड़ने के अपना काम उद्योगात यानी कि वर्क कर रही थी ठीक है. तिचे बाळ
कड़ाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते। उसका जो बच्चा है, बाळ यानी की स्मॉल बेबी, बच्चा कड़ाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते। कड़ाक्याच्या थंडीने यानी की बहुत ही ज़्यादा थंडी थी, वेरी स्ट्रांग कोल्ड, कड़ाक्याच्या थंडीने यानी कोल्ड, और कुडकुडत रडत होते मतलब शिवरिंग, बहुत कांप रहा था बच्चा और वो रो रहा था, रडत यानी कि रो रहा था। पण आई तिकडे बघत ही नव्हती, लेकिन उसकी माँ जो है वो उसके पास बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, वो अपना काम करने में बहुत बिजी थी। माला मात्र राहवले नहीं, लेकिन जैसे ही लेखक ने उसे देखा तो उनको बहुत ही बेचैनी हुई और उन्होंने जल्दी से सोचा कि कुछ वो उसको मदद हेल्प करेंगे। मी सुटकेस मधील पुलकित शाल काढली, उन्होंने अपने सुटकेस में जो शाल थी, जो उन्होंने इसी ने उनको दी थी, हमने ऊपर देखा किसी ने उन्हें शाल दी थी, तो पुलकित शाल यानी कि बहुत ही बड़ी शाल थी, एक हॉनरेबल शाल थी जो उन्हें किसी बड़े व्यक्ति से मिली थी। उन्होंने उस शाल को निकाला, 550 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। उन्होंने कुछ पैसे भी निकाले अपने सूटकेस में से या जेब में से, 550 यानी कि 5 या 50 रुपये के उन्होंने शायद से नोट निकाले, व त्या बाईला हाक मारली और उन्होंने उस औरत को हाक मारली मतलब उसको आवाज़ दिया, उसको पुकारा। खिड़कीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शाळेत गुंडाळ आणि मग मासेमारीत बैस। उन्होंने उस शाल और उस पैसे को खिड़कीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शाळेत गुंडाळ आणि मग मासेमारीत बैस। तो लेखक ने सबसे पहले उस औरत को आवाज दी और उसको बुलाया और उसको बोला, त्या बाळाला आधी शाळेत गुंडाळ, मतलब उस बच्चे को, छोटा जो तेरा बच्चा है उसको पहले शाल में समेट ले, उसको गुंडाळ मतलब टू रैप अप, ठीक है, मतलब उस बच्चे को पहले शाल में समेट ले आणि मग मासे मारीत बैस, और फिर तू अपना मछलियां मारते बैठ जा, बैस मतलब टू सिट, ठीक है। या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती, उस जो इंसिडेंट का जो वॉर्मनेस था, घटना मतलब इंसिडेंट, तो उस इंसिडेंट का जो वॉर्मनेस था वो उस पुलकित शालीच्या उबेपेक्षा अधिक होती, मतलब उस भले ही वो शाल किसी बड़े व्यक्ति ने उसे दी थी इसलिए उस शाल उसके लिए बहुत ही स्पेशल थी, लेकिन फिर भी वो इंसिडेंट जो है वो उस शाल से भी ज्यादा वार्मनेस था, वार्म था। कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलने गाजवत, अभी यहाँ पे और एक कवि है जिनका नाम है नारायण सुर्वे, बहुत ही फेमस कवि है ये, खूब सभा सम्मेलने गाजवत, उन्होंने बहुत ही सभा यानी कि प्रोग्राम्स, मीटिंग, सम्मेलने, मीटिंग्स गाजवत बहुत ही फेमस की थी उन्होंने, उनके बहुत सारे मीटिंग्स और प्रोग्राम्स जो है वो बहुत फेमस थे। पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ही झाले, और आगे जाके वो लिटरेचर, साहित्य यानी कि लिटरेचर के हेड भी हो गए, ठीक है, साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष यानी कि लिटरेचर के हेड भी वो हो गए। परिणामत त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे, परिणामत मतलब उसका उसके रिजल्ट, परिणामत मतलब रिजल्ट में उनके जो कार्यक्रम है, उनके जो प्रोग्राम्स थे, अहोरात्र भर्ती मतलब दिन रात, कोई भी दिन या कोई भी रात हो, हमेशा भर्ती यानी कि क्राउड, हमेशा भीड़ रहती थी। प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राही, प्रत्येक कार्यक्रमात यानी कि हर एक कार्यक्रम में, हर एक प्रोग्राम में उन्हें सन्मानाची शाल मतलब एज अ रिस्पेक्ट उन्हें शाल व श्रीफळ यानी कि कोकोनट, अपना नारियल त्यांना मिळत राही, उनको मिलता था। एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे, तो एक बार उन्होंने लेखक को कहा कि इतने सारे शाल लेकर मैं अभी शालीन बन चुका हूँ, शालीन यानी कि एक जेंटल पर्सन में एक बन चुका हूँ। त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधिक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी होती, उनके बोलने के अंदाज से, उनके बोलना को एक बहुत ही विनोदी यानी बहुत ही एक हसमुख कह सकते हम, जोकीला जो खोज था, जो जोकीली बात थी, वो सिर्फ उन लेखक को ही नहीं बल्कि सबको समझ में आने वाली थी। शाल व शालीनता यांचा संबंध काय, मतलब शाल और शालीनता, शालीनता यानी मैंने आपको बताया था जेंटल होता है, तो शाल और शालीनता यांचा संबंध, इनका जो मेल है वो क्या है। खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली विनाच शोभते,
मतलब असल में जो शालीनता है, असल में जो जेंटलनेस है, वो शाली विना मतलब विदाउट शाल, ओके। शाली विना यानी विदाउट शाल ही शोभते, शोभते यानी कि विदाउट शाल ही शालीनता दिखती है। सुर्वे मुळातच शालीन, मतलब सुर्वे जो है लेखक, वो मुळातच बेसिकली, मुळातच यानी कि बेसिकली शालीन थे, मतलब बहुत ही एक जेंटल पर्सन थे वो। शालीनच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही, कधी क्षीणही झाली नाही। यानी कि इतने सारे शाल मिलने के बाद भी उनकी जो शालीनता है वो कभी भी गुम नहीं हो गई, मतलब वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन थे। हालांकि वो इतने बड़े इंसान बन चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें उनके अंदर कभी भी क्रूडनेस, या आप कह सकते हैं कभी भी उन्होंने अपना जेंटलनेस नहीं खोया, कभी क्षीण ही झाली नहीं। मतलब कभी भी उनका जो जेंटलनेस है वो कभी भी फेड भी नहीं हुआ, वो अभी भी एक जेंटल पर्सन ही थे। मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन। मतलब हमारे कवि ने बताया, अगर शाल के वजह से कोई आदमी जेंटल बनता होगा तो फिर तो मैं कर्जबाजारी, यानी कर्जबाजारी आपको समझा ही होगा। मी कविवर्यांना म्हटले, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईन। मतलब हमारे जो लेखक है उन्होंने, कवि जो नारायण सुर्वे है, उन्हें कहा कि अगर शाल के वजह से कोई इंसान शालीनता मिल रही होगी उसे, तो फिर तो मैं कर्जबाजारी, मतलब मैं तो फिर कर्ज में डूब जाऊंगा। डेट बॉन्डेज इसका इंग्लिश में मीनिंग है, यानी कि मैं कर्ज में पूरी तरह से डूब जाऊंगा। भीखेला लागे, मैं भीख मांगने रास्ते पे आ जाऊंगा, क्योंकि उनके पास अब तक कोई भी शाल नहीं थी। पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वांना एक एक शाल लगेच नेऊन देईन, यावर तो शालीन कवी मनापासून हसला। लेकिन मैं शेकडो मतलब 100 शाली खरेदी करूँ, यानी कि परचेज करूँगा और एक एक को एक एक शाल दे दूंगा। तो ये बात, इस बात को सुनकर जो शालीन कवि थे हमारे नारायण सुर्वे, वो इस बात को सुनकर मन से हंस पड़े, मनापासून हंसला मतलब मन से हंस पड़े। शालीमुळे शालीनता येते कि जाते, या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। हमारे कवि ने कहा, लेखक ने कहा कि अगर शाल के वजह से शालीनता आती होगी या जाती होगी, अगर ऐसा कोई प्रश्न मुझे पूछेगा तो मैं तो उसे कहूंगा कि शाल के वजह से शालीनता जो है वो जाती ही है। अब आगे देखते हैं ऐसा लेखक क्यों कहते हैं। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। मतलब एक रिस्पेक्ट कमाने के लिए अगर सभी लोग रिस्पेक्ट कमाने में लग जाएंगे, तो हम एक जो हमारा शालीन जग है, जो एक जेंटल दुनिया है, उसे हम गमावून बसण्याचा, खो देने का डर, धोखा यानी कि डर मोटा है, बड़ा है। अगर सभी लोग रिस्पेक्ट अर्न करने में लग जाएंगे तो हमारा जो शालीन वर्ल्ड है उसे हम गवा सकते हैं, ठीक है, उसका डर जो है बहुत है। अब यहाँ पे जो लेखक है हमारे आगे, वो कुछ एक इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। मतलब लेखक जो है 2004 साल में साहित्य सम्मेलनाचा लिटरेचर के बिनविरोध अध्यक्ष, बिनविरोध यानी कि बिना किसी के अपोजिशन के, विदाउट एनी अपोज, अध्यक्ष वहाँ के वो हेडमैन चेयरमैन हो गए। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालीनचा वर्षाव झाला। फिर तभी तत्कालीन मतलब तुरंत ही 1-2 सालों में लेखक के ऊपर शालीनचा वर्षाव, मतलब बहुत सारे शाल लोगों ने उन्हें दिए, बहुत सारे शाल उन्हें मिले। एवढा शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नव्हते। अब उनके पास इतने सारे शाल जमा हो गए कि उनके 8x8 के रूम में, खोली यानी कि रूम, उनके 8x8 8x6 सॉरी, उनका जो 8x6 का जो रूम है उसमें उन सब शाल को रखना बहुत ही शक्य नव्हते, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट था इतने सारे शाल को रखना। मग मी सगळ्या शालींचे गोठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली
वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। फिर उन्होंने उनको इतना पॉसिबल नहीं था इतने सारे शाल उनको अपने घर पे रखना, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी शाल को एक साथ जमा किया, उनका गाठोड़ा, गाठोड़े मतलब उनको एक साथ बांध दिया, जमा कर दिया, बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले। निकटवर्ती मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड, निकटवर्ती मित्र मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड के पास उन्होंने उस शाल को जमा किया। वो त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्व अधिकार दिले और उन्होंने उस फ्रेंड को सब जो अधिकार थे, मतलब कि तुझे जो उस शाल का करना है वो तू कर सकता है, ऐसे सब अधिकार उन्होंने उस अपने फ्रेंड को दे दिए। बेचारा अति प्रामाणिक, लेकिन वो जो बेचारा था, वो जो बेचारा उनका दोस्त था, अति प्रामाणिक मतलब बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था, ठीक है। त्याच्या ही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले, उसका भी रूम जो है, उनके जो दोस्त का रूम है वो भी बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी उसने उन शाल को बहुत अच्छी तरह से उनका केयर किया। बेचारा अति प्रामाणिक मतलब वो जो बेचारा था वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट था, ठीक है। त्याच्या ही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले, उसके भी जो छोटा उसका भी रूम जो था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी उसने उसके दोस्त के शाल का बहुत ज्यादा केयर किया। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते लेखक ने जो है वो सभी जो शॉल थे उसके, उसने एक ऐसी गरीब श्रमिक यानी कि पुअर लेबर्स में, गरीब लोगों में उसने उस शॉल को बांट दिए, ठीक है। अब हमारा एक पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेकेंड पेज पे देखते हैं। याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिरावर, मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। याच सुमारास मतलब उसी टाइम जो हमारे लेखक है हर शनिवार को ओंकारेश्वर मंदिर, एक टेम्पल का नाम है, मंदिर यानी कि टेम्पल और ओंकारेश्वर यानी कि शायद से उस गॉड का नाम होगा, ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। वो उस जो पुल पे जो मंदिर था, लेखक जो है हमारे उस मंदिर में रोज विजिट देते थे, बहुधा मतलब मेनी टाइम्स, हमेशा ही नहीं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वो वहाँ पे विजिट देते थे, रोज संध्याकाळी, संध्याकाळी यानी इवनिंग में वो वहाँ पर विजिट देने जाते थे। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे, वहाँ पे जो कट्टा था, कट्टा यानी एक दीवार होती है जहाँ पे बैठते हैं लोग, ठीक है, तो उस कट्टे पे उन्हें बैठना, बसने मला आवडे, उस कट्टे पे बैठना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिवस काय घडले की कडक थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा अशक्त भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुडे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। तो एक दिन हमारे लेखक ने क्या देखा कि कडक थंडी के दिनों में, बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत कोल्ड था, और उन दिनों में एक म्हातारा, म्हातारा यानी कि एक बुढ़ा इंसान, एक ओल्ड मैन, अशक्त जो बहुत ही वीक था, और भिक्षेकरी यानी कि बेगर, कट्ट्याला लागूनच उसी दीवार को लग के चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। चिरगुटे यानी कि प्लेस ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब जो उसके फटे हुए जो कपड़े थे उसने वो से वहां पे डाले हुए थे और वहीं पे वो कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। कुडकुडत यानी वो वहीं पे बैठे बैठे वो शिवर कर रहा था बहुत ज्यादा, उसके पास कोई कपड़े नहीं थे, उसके बॉडी पे फटे हुए सब कपड़े थे, इसलिए उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। दुसऱ्या दिवशी मी दोन शाली घेऊन ओंकारेश्वराच्या कट्ट्यावर आलो। तो दुसरे ही दिन लेखक ने सोचा कि वो उस इंसान को हेल्प करेंगे, इसलिए उन्होंने दूसरे दिन उसी जो टेम्पल के पास में अपने कट्टे के पास वो अपने दो शॉल लेकर आ गए। तो म्हातारा होताच वो जो इंसान है, वो जो बूढ़ा इंसान ओल्ड मैन, वो वहीं पे था, त्याला दोन्ही शाली दिल्या, उन्होंने उसे दोन्ही भी जो उसके शॉल थे उन्होंने उसे दे दिए। त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला और उस बूढ़े इंसान ने हमारे लेखक को थरथरते अपने शिवरिंग, अपने कांपते हुए हाथों से उन्होंने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया यानी प्रणाम किया। पुढे चार पांच दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नाही। अगले चार पांच दिन लेखक को बहुत ही बिजी था उनका शेड्यूल, इसलिए उन्हें चार पांच दिन टाइम नहीं मिला उस अपने जो कट्टे पे जाने के लिए। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो, लेकिन जब उनको टाइम मिला चार पांच दिनों बाद, तब वह हमेशा की तरह, नेहमीप्रमाणे यानी हमेशा की तरह वहां पे आना जाना करने लगे। मग एकदम
त्या भिष्कराज भिष्करी वृद्धा की आठवण आली। फिर उन्हें अचानक से एकदम यानी अचानक से उन्हें उस बेगर की उस वृद्धा की वृद्ध यानी ओल्ड मैन उन्हें उसी याद आ गई। आठवण आली मतलब याद आना। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच, वो उसके हमेशा के जगह पे ठिकाणी यानी प्लेस वो उसके हमेशा के जगह पे नहीं था। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो। तो उन्होंने सोचा कि वो उस पुल पे उस ब्रिज पे एक चक्कर मारेंगे, चक्कर यानी वॉक करेंगे, इसलिए वो वहां से उठे और उस पुल पर चलने के लिए चल पड़े। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। उस पुल के जवळपास जवळपास यानी कि अप्रॉक्स मध्यावर बीच में इन मिडिल उस पुल के बीच में उन्हें वो ओल्ड मैन वहां पे वो जो बेगर था वो उन्हें वहां पे दिखा। मैं लगभग ही ने त्याच्याकडे गेलो, लगभग ही ने मतलब जल्दी से क्विकली वो इमिडिएटली उस बेगर के पास भागते हुए चले गए। पातो तो काय तीच चिरगुटे अंगाखाली व अंगावर तेच कुडकुडणे तेच दिनवाने जीने। जब उन्होंने देखा कि वो जो बेगर था वो फिर से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल ही जी रहा था, उसके पास वो दोनों शॉल नहीं थे, वो फिर से वही जो फटे हुए कपड़े हैं वही उसके अंगा खाली यानी उसके बॉडी के नीचे व अंगावर और उसके शरीर के ऊपर भी वही फटे हुए कपड़े थे। तेज कुड़कुड़ने फिर से वही वो वैसे ही शिवरिंग कर रहा था, ठंडी के दिन थे। तेज दिनवाने जीने यानी कि वही उसका पुराना लिविंग चालू था उसका। मी म्हटले बाबा तुम्ही मला ओळखले, तो उन्होंने उस जो बेगर था ओल्ड पर्सन था बेगर उन्होंने उसको पूछा कि क्या आपने मुझे पहचाना ओळखले यानी पहचाना आपने मुझे। त्याने नकारार्थी मान हलवली, उन्होंने ना कहते हुए अपनी मुंडी हिलाई, मान हलवणी यानी नेक हिलाई उन्हें ना कहते हुए। मग मीच म्हटले बाबा 5-7 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते। तो लेखक ने उन्हें याद दिलाया कि 5-6 दिनों पहले मैंने आपको 2 शाल दिए थे, क्या आपको याद आया। यावर मातारा खुल्ला व पुनः हाथ जोड़ून म्हणाला हे भल्या माणसा तू लई मोठा। मतलब इस पर वो जो ओल्ड यावर मातारा यानी कि इस पर वो जो ओल्ड इंसान था ओल्ड मैन वो खुल्ला यानी कि उसको तभी याद आया, वो पुनः हाथ जोड़ून म्हणाला व फिर से उसने हाथ जोड़े नमस्कार किया और उसको बोला हे भल्या माणसा तू लई मोठा यानी कि हे भले इंसान तू बहुत बड़ा है, लई मोठा यानी तू बहुत अच्छा है, तू बहुत बड़ा है। यावर मातारा खुल्ला वो पुनः हाथ जोड़ून म्हणाला हे भल्या माणसा तू लई मोठा। मतलब जब उसको याद आया कि अरे हाँ कि ये वही इंसान है जिसने हमें 2 शाल दी थी, तभी वो थोड़ा खुल गया और उसने अपने फिर से दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा हे भल्या माणसा तू लई मोठा यानी हे भले इंसान तू लई मोठा यानी तू बहुत बड़ा है। म्यासनी शाली दिल्या पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील। उसने बताया म्यासनी शाली दिल्या मतलब तूने मुझे शाल दिया पण बाबा म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील, लेकिन मेरे इसे भिकारी को वो शाल कैसे शोभेंगे यानी उस भिकारी को ऊपर अगर हम देखेंगे, अगर आपने भी रास्ते पे कभी देखा कि कोई भिकारी समझिए कोई शेरवानी वगैरह पहन के है तो हमें भी कुछ व्यर्ड लगेगा। वैसे ही वो कुछ बता रहा है कि मुझ जैसे गरीब इंसान पे वो शाल कैसे अच्छे लगेंगे। त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट, वो कहता है मुझे कोई दिखावा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पेट की जो आग है मुझे उसे मिटाना है। मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। उसने बताया मैंने वो जो शाल तूने जो दिए थे वो उसे मैंने बेच दिया, इकल्या यानी टू सेल उसने उन शाली को बेच दिया व 2-3 दिवस पोट भरून जेवून घेतलं बाबा। और उसने उस शाल को बेच के 2-3 दिन तक उसका गुजारा हो गया, उसको पेट भर खाना मिला 2-3 दिन के लिए। आमचं हे असलं बिकट जीणं, वो बताता है कि हमारा ये ऐसा बिकट मतलब बहुत ही डिफिकल्ट जीणं यानी लाइफ है। तुझे लई उपकार आहेत बाबा, तेरे बहुत उपकार है मेरे ऊपर।
शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। शालीची शोभा मतलब शाल का जो दिखावा है, शोभा यानी जो दिखावा, आणि ऊब, ऊब यानी कि वॉर्मनेस, वो पोटाची आग और पेट की जो मेरे आग है, आणि अन्नाची ऊब और जो उसको फूड ग्रेन्स की जो नीड है। भूकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभंग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। यानी इसका मीनिंग है, जिसको भूखे लाल्यास अन्न द्यावे, जिसे भूख लगी है उसे खाना देना चाहिए, तहानलेल्यास पाणी द्यावे और जिसे प्यास लगी है उसे हमें पाणी देना चाहिए, आणि हेही जमले नाही यानी अगर हमें ये भी नहीं जमा, अगर हमें ये भी हम नहीं कर सके, तर अभंग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। और जो अभंगी लोग है मतलब यानी जो अनलकी पर्सन पीपल है, हमें उन्हें सन्मानाच्या शाली मतलब शाल जो एक सिंबल है रिस्पेक्ट का, हमें उन्हें वो शाल जो है वो देनी चाहिए। ऐसा ये बहुत ही इजी लेसन है जो हमने ये आज कवर किया है। उम्मीद है कि आपको भी ये लेसन ईजी लगा होगा। अगर आपको इसकी एक्टिविटीज़ भी है, इसके कुछ एक्टिविटीज़ है, अगर आपको इसके ऊपर कुछ वीडियो चाहिए तो वैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, अगर आप और आपको भी अच्छा ही लगेगा अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये वीडियो देखा होगा तो ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो ठीक है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं।